नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। गिरिडीह विधानसभा सीट के जेवीएम प्रत्याशी चुन्नूकांत ने कराया नामांकन। इससे पूर्व चुन्नूकांत के समर्थन में आयोजित रैली में उमड़ी भारी भीड़। गिरिडीह सीट के जेएमएम प्रत्याशी सुदीप कुमार सोनू सहित विभिन्न सीट के लिए 8 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। रैली और नामांकन को लेकर गिरिडीह शहर में रहा गहमा गहमी का माहौल। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त ने डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण। 3 विधानसभा सीट के डिस्पैच सेंटर की तैयारियों का लिया जायजा। और गिरिडीह विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी निर्भय शहबादी ने कई गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। 28 नवंबर को कराएंगे नामांकन। और अब खबरें विस्तार से। 16 दिसंबर को होने वाले गिरिडीह विधानसभा चुनाव में जेवीएम ने जबरदस्त एंट्री मारी है। जेवीएम के दिग्गज नेता सचिनुकांत के नामांकन के दिन रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ा। जगह जगह जेवीएम प्रत्याशी चुन्नूकांत पर पुष्प वर्षा की गई और उनका स्वागत किया गया। रोड शो में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। गिरिडीह में चौथे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर जेवीएम प्रत्याशी चुन्नूकांत प्रसाद के समर्थन में पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थकों ने बुधवार को रोड शो किया। रोड शो के दौरान भारी जन सैलाब उमड़ा। सड़कें जेवीएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों से खचाखच भरी थी। जेवीएम प्रत्याशी चुन्नूकांत का रोड शो पावर हाउस स्थित उनके आवास से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने जनसभा को रद्द करते हुए सीधे नामांकन करने के लिए रोड शो शुरू किया। यह रोड शो करीब 4 किलोमीटर का रहा। रोड शो शहर के व्यस्तम मधुबन वेजिस चौक होते हुए मगतपुर कालीबाड़ी मुस्लिम बाजार नटराज चौक होते हुए समाहरणालय आकर समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ उमड़ी की 500 मीटर की दूरी तय करने में आधा घंटा लग गया। इस दौरान कई स्थानों पर पुष्प वर्षा भी की गई। रोड शो करके जेवीएम ने विरोधियों को एहसास दिला दिया है कि इस बार गिरिडीह सीट से अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। इस रोड शो से मालूम पड़ रहा था कि गिरिडीह में पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जेवीएम की जिला कमेटी ने रोड शो की व्यवस्था की थी। इस दौरान जेवीएम जिला कमेटी के सभी पदाधिकारियों व कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा हजारों की संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान लगातार समर्थक नारेबाजी करते रहे। इस दौरान टावर चौक पर अधिवक्ता संघ के सभी लोग चुन्नूकांत का भव्य स्वागत किए। यहां से चुन्नूकांत सीधे समाहरणालय परिसर पहुंचे, जहां निर्वाची पदाधिकारी सह सदर SDM राजेश प्रजापति के समक्ष नामांकन प्रक्रिया 2 सेट में पूरी की। नामांकन के बाद चुन्नूकांत ने कहा कि गिरिडीह अनगिनत समस्याओं से ग्रस्त है। यहां के लोगों को अब तक सिर्फ ठगने का काम किया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद, नूनूलाल मरांडी, नवीन सिन्हा, सुमन सिन्हा, महेश राम, राजेश जायसवाल, मनोज मौर्य, शमशाद आलम, सिराज इमाम, टेको रविदास, अजय रंजन, बशारत हुसैन, मोहम्मद बब्बन, सबीर खान, मुकेश पांडे, भीम चंद्रवंशी, अधिवक्ता कंचन माला, अनुज सिन्हा, प्राण भल्लू भक्त, मनोज पंडित, सुरेश प्रसाद सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
विकास मोर्चा के प्रत्याशी बड़े भाई चुन्नू का देखिए झारखंड में कई सारे मुद्दे हैं जिससे यहाँ की जनता परेशान है। आप अगर देखेंगे तो झारखंड की सरकार ने यहाँ के रैयतों को जिनका 50 साल से 60 साल से जमीन पर उनका दखल कब्जा था, वो गैर मजरुआ के नाम पर उस जमीन से सरकार उसको एक तरह से उनको बेदखल कर दिया है। केवल इस जिले में लगभग 7 लाख लोग उनकी
जो सूची है जमीनों की उसको प्रतिबंधित सूची में डाल दिया। महंगाई चरम सीमा पे, साहब यहाँ प्याज 80 रुपये किलो बिक रहा है, लहसुन 150 रुपये किलो बिक रहा है। एक आम आदमी अब कैसे जिएगा, कैसे खाएगा? स्वास्थ्य की जो बात है तो आप गिरिडीह का एकमात्र जो सदर अस्पताल है उसको हम तो गिरिडीह का एम्स माने, रिम्स माने, वहाँ पर एक वर्ण वार्ड नहीं है, ICU नहीं है। सड़कों की हालत आप देख लीजिए, एक तरफ से सड़क बनते हैं, दूसरे तरफ से उखड़ जाते हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, नगर निगम घोषित किया गया यहाँ को, लेकिन कई सारे वार्ड जो नए यहाँ जुटे हैं उससे सरकार तो टैक्स ले रही नगर निगम का, लेकिन सुविधा उनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे नेता हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उनकी छवि पूरे राज्य में एक स्वच्छ छवि का नेता है और उनके ऊपर राज्य की जनता भरोसा करती है, और यही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है और यही मेरा सबसे बड़ा आधार है। चीज लेकर बुधवार को विभिन्न विधानसभा सीटों से कुल 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। इसके तहत गिरिडीह विधानसभा से 4, जमुआ विधानसभा से 1, डुमरी विधानसभा सीट से 1 और बगोदर से 1 और गांडे से 1 प्रत्याशी ने अपना नामांकन दर्ज कराया। चौथे चरण के चुनाव को लेकर बुधवार को गिरिडीह विधानसभा सीट से JVM प्रत्याशी चुन्नू कांत ने अपना नामांकन कराया। सहायक निर्वाची पदाधिकारी SDO राजेश प्रजापति के समक्ष उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन करवाया। अधिवक्ता सुब्रतो मित्रा और जहीर मजहरी उनके प्रस्तावक थे। इधर गिरिडीह विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुदीव्य कुमार सोनू ने सहायक निर्वाची पदाधिकारी SDO राजेश प्रजापति के समक्ष एक सेट में अपना नामांकन कराया। उनके प्रस्तावक युवराज महतो थे। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह, नूर मुखिया और नदीम अख्तर मौजूद थे। एक और सेट में वे 28 नवंबर को अपना नामांकन करवाएंगे। गिरिडीह से AIETC प्रत्याशी सीमा कुमारी और निर्दलीय प्रत्याशी श्याम कुमार बर्णवाल ने भी नामांकन कराया। इधर जमुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मंजू कुमारी ने ARO सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी पवन मंडल के समक्ष 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। हाँ ठीक है, इधर देखिए, इधर
इधर डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी जगन्नाथ महतो ने निर्वाची पदाधिकारी सह डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर बगोदर विधानसभा सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ललिता कुमारी ने भी अपना नामांकन कराया, जबकि गांडे विधानसभा सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी ललिता राय ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ललिता कुमारी जिंदाबाद। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बुधवार को गिरिडीह कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां तैनात कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बुधवार को गिरिडीह, गांडे और जमुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए गिरिडीह कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डिस्पैच सेंटर की तैयारियों का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर DDC मुकुंद दास, जिला योजना पदाधिकारी, उप समाहर्ता समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। 16 दिसंबर को होने वाले चौथे चरण के चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में किन्नर ललिता कुमारी का नामांकन पत्र दाखिल कराया। 2019 में ललिता कुमारी इकलौती किन्नर झारखंड से होगी जो विधानसभा लड़ेगी। काफी लाल झंडा का गढ़ कहे जाने वाले बगोदर विधानसभा क्षेत्र में भगवा को मात देने के लिए एक किन्नर चुनावी मैदान में है। माले और भाजपा जैसे दिग्गज पार्टी को चुनौती देने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया है। ललिता कुमारी नाम की यह किन्नर झारखंड की इकलौती किन्नर होगी जो 2019 के विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमा रही है। दरअसल चौथे चरण में होने वाले मतदान के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने बुधवार को बगोदर विधानसभा क्षेत्र के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ललिता कुमारी अपने समर्थकों के साथ सरिया अनुमंडल कार्यालय पहुंची। इस दौरान निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी रामकुमार मंडल के पास नामांकन पर्चा दाखिल किया। ललिता कुमारी ने एक सेट में अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि बगोदर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया तो सरिया रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण, बगोदर में ट्रॉमा सेंटर, बिरनी में डिग्री कॉलेज चालू करवाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बीते 30 वर्षों में माले ने 25 वर्ष तथा भाजपा ने 5 वर्ष सिर्फ जनता को छला है, यहां अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके साथ प्रहलाद नायक, मुकेश पासवान, प्रेम कुमार महतो, रेणु कुमारी, पुदीना देवी, पूनम कुमारी समेत दर्जनों कार्यकर्ता साथ थे। बगोदर विधानसभा में ना ही 25 साल में जो विकास चाहिए जनता को हुआ, ना ही 5 साल में, डबल इंजन की सरकार में ना ही 5 साल में हुआ और ना ही वामपंथी का जो 25 साल के शासन काल में वो भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम लोग जहाँ नॉमिनेशन करवा रहे हैं ये प्रखंड कार्यालय है और इसी में अनुमंडल चल रहा है, तो जनता को विकास चाहिए और जनता जान रही है कि जनता विकास 25 साल और 5 साल में क्या विकास होना चाहिए वो हुआ या नहीं हुआ, वो सरिया बगोदर बिरनी की सारी जनता जान रही है। ना ही सरिया में ओवर ब्रिज हुआ, ना ही बगोदर में ट्रामा सेंटर हुआ और ना ही बिरनी में डिग्री कॉलेज खुला, ना ही उसमें पढ़ाई अभी चालू हुआ है। सिर्फ पढ़ाई के नाम में आश्वासन, ट्रामा सेंटर के नाम में आश्वासन और ओवरब्रिज के नाम में आश्वासन मिल रहा है। गिरिडीह विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहवादी ने बुधवार को कई गांवों में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। वे 28 नवंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। गिरिडीह विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहवादी ने बुधवार को चैताड़ी, कमरसाली, बक्सीडी और बसेड़िया में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। मौके पर मेयर सुनील पासवान, अशोक उपाध्याय, मुखिया फूल देवी, ईश्वरदास, प्रकाश दास आदि भी उनके साथ थे। बताया गया कि श्री शाहबादी 28 नवंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इधर डुमरी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार साहू भी 28 नवंबर को अपना नामांकन कराएंगे।
हमारे पार्टी ने हमेशा कहा है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, हम विकसित नहीं हो सकते। इन्हीं चीजों को लेकर हमारा देश सब चीजें चल रही है, सारी योजनाएं बनाई जा रही है। आपने देखा, ठीक है कि आवास नहीं मिला, ये संघर्ष कर रहे हैं हमारे मेयर साहब। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस क्षेत्र में कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि कुलवरी बंद हो जाएगा। मैं चुनौती देता हूं, कौन शख्स है जो कुलवरी को बंद करेगा? निर्भय शाहबादी ने सीटीओ दिलाया है ओपन कास्ट का, कबरीबाग माइंस का भी सीटीओ दिलाने का काम करेंगे और जिस तरह से हमारी कुलवरी चल रही थी आगे भी चलेगी। लोग कहते हैं आवास नहीं बनेगा, कौन नहीं बनाएगा आवास? पहले आप पंचायत में थे, निर्भय शाहबादी ने लड़ाई लड़ करके आपको प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम किया, आपको जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जो नहीं मिलता था उसको दिलाने का काम। धनवार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अनूप संथालिया ने तिसरी प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। धनवार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अनूप संथालिया ने बुधवार को तिसरे प्रखंड के भंडारी, गादी, मंझलाडी समेत दर्जनों गांवों का दौरा किया और साथ ही चुनावी सभा भी की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जनता से आशीर्वाद लिया और लोगों से विधानसभा चुनाव में समर्थन की अपील की। मौके पर प्रदीप मोदी, डॉक्टर अशोक वर्मा, संजय साहू, संजय पांडे सहित दर्जनों सहयोगी कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं तो 8 दिन पहले बोला था कि भाई मेरे लिए तीसरी गांव नया नहीं है, जब मैं निकलूंगा तो मेरे पीछे कारवां रहेंगे। ये प्यार है, लोगों का विश्वास है, इसीलिए विश्वास है कि अनूप संथालिया एक नाम है, वो अलग चीज़ है कि मेरे परिवार का नाम है, मेरा नाम है, वो एक अलग चीज़ है। मेरे पिताजी को सब जानते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितना प्यार मैं धनवार से करता हूँ उतना ही तीसरी उतना ही गाँव से, लोगों को विश्वास है कि ये लड़का, ये बेटा काम करके दिखाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान की एक बैठक मोहली चुआ में हुई, बैठक में चुनाव की तैयारी की समीक्षा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान की बैठक बुधवार को मोहली चुआ में हुई। बैठक में मुख्य रूप से उलगुलान गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दीपक महतो मौजूद थे। उन्होंने नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए और 28 नवंबर को नामांकन दाखिल करने का भी निर्णय लिया। बैठक में किशोर किस्कू, नारायण महतो, हरि महतो, विजय कुमार सिंह, अमजीत महतो, लखन महतो सहित कई लोग मौजूद थे। हम लोग कल झारखंड मुक्ति मोर्चा गुलान से नामांकन करेंगे और उस नामांकन में हमारे गिरिडीह क्षेत्र के बहुत सारे लोग उपस्थित रहेंगे और उपस्थिति में हम नामांकन करके जो आज गिरिडीह के जनता के बीच में हम आए हैं, हम चाहेंगे हमें यहाँ कोऑपरेशन गिरिडीह के जनता से मिले और मैं भरसक प्रयास करूंगा यहाँ के जनता के लिए कि यहाँ के लोगों के लिए, गरीब गुरुओं के लिए, चाहे जितने भी यहाँ गिरिडीह वासी हैं उनके लिए हर संभव अपना जीवन यहाँ के लिए लगाऊंगा। पुरानी रंजिश के कारण दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना खेत में कटी हुई फसल रखने के दौरान हुई। तरटार थाना क्षेत्र के पंदना गांव में बुधवार को आपसी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में एक पक्ष से 4 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि खेत में कटी हुई फसल को रखने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद खून खराबा हो गया। इस घटना में पवन मरांडी, छोटेलाल मरांडी, ईश्वर मरांडी और श्रीलाल मरांडी घायल हुए हैं, जबकि मारपीट का आरोप सुनील मरांडी, महेंद्र मरांडी, तोता मरांडी, सोकोल मरांडी, सोनेलाल मरांडी आदि पर है। घायल पक्ष के आवेदन के आधार पर टाटार थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। फिलहाल यहां इन सभी का इलाज चल रहा है। तो सब अले हमारे घर अले के बाद हम खरना धान डेंगे लिए धान डेंगे ले तो बोल को या जो मर मार देंगे तो बोल लियो तो बाद हमारे भाई के फोन कर लियो तो हमारे भाई के अलो अलो बाद हमारे खरना ठीक दौड़ के आवे है यार तो गाली गलोज करे तब मारपीट हो गए हैं। खलहन में धान का बीड़ा जो आया ना वो अपना सरिया रहा था,
उन लोग जान मरने के नियत से या कोंची करने के लिए सब हरवे हथियार लेकर के आया और मेरा भाई को खींच के निकाला खलहान से मरने लगा। जैसे हो हल्ला हम लोगों ने सुना कि आपका भाई का पिटाई हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग दौड़ के वहाँ पहुँच दे गए, हम लोगों को फिर भी मरते गए। उसके बाद उन लोगों वहाँ से चल दिए, हम लोग वहाँ से उठे और थाना चलाए, थाना से हम लोग आए। समझला भाई अपना कल्याण में धान सरिया रहा था, उसी बीच हम तो घर में थे नहीं, हम दूसरे जगह हम जा रहे थे, उसी तो हमने अचानक हमको फोन किया, भैया ने बताया कि हमको चारों एंगल से घेर लिया है, पूरा धारदार हथियार प्लस में लाठी डंडा लेकर आए हुए थे। तब तक हम भी वापस घूम के आए, घूमने के बाद हम देखे वहाँ पर भैया को पूरा घेर लिया था। इसको बचाने के चक्कर में सब लोग को मतलब उसको मारने के, हम लोग को मारने की नीयत से वो लोग शायद आए होंगे, यदि मारने के नीयत से नहीं आते तो सर पे सिर्फ फरार नहीं करते, सिर्फ सर पे वार किया है चारों भाई के ऊपर। चलते चलते आइए एक बार फिर से जान लेते हैं सुर्खियों को। गिरिडीह विधानसभा सीट के जेवीएम प्रत्याशी चुन्नूकांत ने कराया नामांकन। इससे पूर्व चुन्नूकांत के समर्थन में आयोजित रैली में उमड़ी भारी भीड़। गिरिडीह सीट के जेएमएम प्रत्याशी सुदीप कुमार सोनू सहित विभिन्न सीट के लिए 8 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। रैली और नामांकन को लेकर गिरिडीह शहर में रहा गहमा गहमी का माहौल। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त ने डिस्पैच सेंटर का किया निरीक्षण। 3 विधानसभा सीट के डिस्पैच सेंटर की तैयारियों का लिया जायजा और गिरिडीह विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी निर्भय शहबादी ने कई गांवों में चलाया जनसंपर्क अभियान। 28 नवंबर को कराएंगे नामांकन। तो आज के इस अंक में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।